Hello, dear children. This is Mahesh Kumar, and I welcome you back to my YouTube channel, that is Zen Apex Education. Dear children, in today's video, we are going to study the poem "How to Tell Wild Animals." Okay, this poem is written by composed by Carolyn Wells. Okay, Carolyn Wells is an American poet. Okay. And she had been a librarian before, in early stage of his life of her life. Okay, she had been a librarian. Uh, uh, later, she turned to be a writer, a uh, poet. Okay, and she is known for her humorous writings, her uh, child spe children specific writings, and mystery books. Okay. अपार्ट फ्रॉम दैट शी हैड बीन अ वेरी वेरी प्रोलिफिक राइटर एंड कवर्ड अ लॉट ऑफ सब्जेक्ट ओके शी हैड बीन अ वेरी वेरी प्रोडक्टिव राइटर ओके सो दैट वॉज द शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएट कैरोलिन वेल्स नाउ जस्ट लुक एट द समरी ओके थोड़ी सी समरी देख लीजिए इसकी पोएम की एक्चुअली द पोएम इज इंट्रोड्यूसिंग एस To the wild animals. Okay, the poem is introducing us to the wild animals of the East in a very, very interesting and humorous way. The wild animals and their very characteristic, fearsome activities are described here in a very, very light and jolly manner. And certainly, the poet handled so serious a topic very very deftly the sole objective of the poem appears to provide us with some light moments and there is no serious moral message etc in it okay most probably most probably the word tell okay the word tell which is used in the title is denoting uh, द वर्ड द टर्म रिकोगनाइजिंग ओके ऐसा लगता है कि जो ये वर्ड है यहां टैल जैसे कि टाइटल से लग रहा है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स तो ऐसा लगता है कि टेल जो वर्ड है वो रिकोगनाइज के जगह पे यूज किया गया है इट इज यूज इन प्लेस ऑफ रिकोगनाइज ओके तो ये थोड़ा सा एक समरी थी शॉर्टमेंस के बारे में पोए पोयम के बारे में चलिए अब पोयम स्टार्ट करते हैं इफ एवर यू शुड गो बाई चांस टू जंगल्स इन दस्ट एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस अ लार्ज एंड टॉनी बीस्ट he roars at you as you are dying, you will know it is the Asian lion. Okay? तो बड़े ही इंटरेस्टिंग वे में जैसे कि हमने समरी में ही कहा था पोएट हमें इंट्रोड्यूस करा रही है हमारे पहले आ, बीस्ट से and that is द टोनी बीस्ट द एशियन लॉयन ओके वो कह रही है कि अगर आप कभी किसी जंगल में जाते हैं ईस्ट के और वहां आपके सामने एक येलोइश ऑरेंज कलर का कोई बहुत बड़ा सा जानवर आता है और वो इतनी जोर से दहाड़ता है कि ऐसा लगे जैसे कि आपकी सांस ही रुक जाएगी एज इफ यू आर गोइंग टू डाई ओके देन बी एश्योर दैट दिस एनिमल इज नथिंग एल्स बट द एशियन लॉन ओके तो आपको पूरा भरोसा हो जाना चाहिए कि जानवर कोई और नहीं बल्कि क्या है एशियन लॉइन है ओके okay? तो बड़े ही अच्छे अंदाज से वो इंट्रोड्यूस करा रही है और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू विद ब्लैक स्ट्रिप्स स्ट्राइप्स ऑन अ येलो ग्राउंड जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू दिस सिंपल रूल मे हेल्प यू लर्न बेंगॉल टाइगर टू डिस सन ओके नेक्स्ट स्टेंजा में जो हमें वो इंट्रोड्यूस कर वो बेंगोल टाइगर से करा रही है रॉयल बेंगोल टाइगर से और वो बोल रही है कि अगर आप कुछ और आगे जाते हैं ओके okay? और कोई बहुत बड़ा सा रॉयल सा वाइल्ड बीस्ट आपको ग्रीट करता है ओके okay? ग्रीट करता है और उसके जो स्किन है उसकी उसकी जो बॉडी है उस पर अगर येलो कलर की बैकग्राउंड है और उस पर ब्लैक स्ट्राइप्स पड़ी हुई है ओके okay? और वो देख करके ही आपको खा जाता है जैसे ही आप उसके सामने पड़ते हो वो आपको खा जाता है तो आप समझ जाना कि ये जानवर कोई और नहीं ये बीस्ट कोई और नहीं बल्कि क्या है रॉयल बेंगाल टाइगर ओके सो अगेन द द वे ऑफ इंट्रोड इंट्रोड इंट्रोडक्शन बाई द पोएट ओके इज अ वेरी वेरी ह्यूमरस वन ओके कॉमिक वन दोनों ही जानवर पहले से उसके दहाड़ने से ही जब आपकी डेथ होने लगे आप आप मतलब सांसें रुक जाएं आपकी और दूसरा आपको देखते ही खाने लगे तो समझ जाना कि आप इन इन जानवरों के सामने हो तो बहुत ही अच्छे अंदाज में पोएट जो है वो यहाँ इंट्रोड्यूस करा रही है हमें चलिए यहाँ पे पोइटिक डिवाइसेस एक्सेट्रा देख लेते हैं तो इसकी जो पोइटिक डिवाइसेस हैं उसमें सबसे पहले राइमिंग स्कीम देखेंगे हम राइमिंग स्कीम है इसकी ए बी ए बी सी सी ओके ए बी ए बी सी सी इट मींस पहली लाइन तीसरी लाइन से और ऐसे ही दूसरी लाइन चौथी लाइन से राइम कर रही है ऐसे ही फिफ्थ लाइन सिक्स लाइन से राइम कर रही है तो इसीलिए इसकी राइमिंग स्कीम हो जाएगी ए बी ए बी सी सी ओके इसके अलावा जो इसमें कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच हुए हैं यूज किए गए हैं वो मेन वो देख लीजिए पहली चीज़ तो यहाँ ऑगजीमोरोन यूज़ किया गया है वाइल्ड बीस्ट के साथ नोबल यूज़ किया गया है नोबल जो वर्ड है वो जनरली यूज होता है बहुत ही हाईली रिफाइंड हाईली मैनर्ड लोगों के लिए ओके और वो यहाँ वाइल्ड बीस्ट के साथ यूज़ किया गया है तो इसलिए यहाँ पे ऑग्जीमरोना है ओके एक दूसरे के लगभग अपोजिट हो गए वर्ड्स तो इसीलिए ऑग्जीमोरों ने ऐसे ही वाइल्ड बीस्ट को वाइल्ड बीस्ट को फिर से ग्रीट करते हुए दिखाया गया है ओके और आगे जबकि खुद पोएट कह रही है कि वो देखते ही आपको खा जाएगा तब आप समझ जाना कि ये रॉयल बंगाल टाइगर है ओके तो इसीलिए रॉयल वाइल्ड बीस्ट को ग्रीट करते हुए दिखाया गया है, इसलिए यहाँ पे आए रहनी है ओके तो ये इसके कुछ मेन फिगर्स ऑफ स्पीच पोएटिक डिवाइसेस थे नेक्स्ट एनिमल जिससे कि पोएट हमें आइडेंटिफाई करा रही है हमें मिला रही है वो है आपका लेपर्ड ओके इफ बीस्ट यू व्यू हुज़ हाइड विद स्पॉट्स ही हैज लेप्ट ऑन यू यू विल नो इट इज द लेपर्ड इट विल डू नो गुड टू रोर विद पेन ही विल ओनली लेप एंड लेप अगेन ओके तो वो कह रही है अगर तब भी आप आगे चले जाते हो और फिर आपके सामने कोई एक नया जानवर आता है जिसकी बॉडी पेपर्ड सी होगी ओके जिसकी बॉडी पे बहुत सारे स्पॉट्स होंगे जिनका कोई आ, कोई सेट पैटर्न ना हो ऐसे स्पॉट्स होंगे ऐसा कुछ कुछ होगा जैसे कि खाने पे पेपर्ड वर्ड वर्ड यूज़ किया उसने उसको दिखाने के लिए बहुत सारे जो हम बहुत सारी डिशेस जो भून करके खाते हैं सिर्फ तो ऊपर से उस पर नमक मिर्च वगैरह डालते हैं ओके okay, तो वो जगह जगह गिरती है कोई सेट बिना किसी सेट पैटर्न के इसलिए पेपर्ड वर्ड यूज किया है ऐसे ही सेम इसका है कहीं भी उसके स्पॉट्स होते हैं उनका कोई सेट पैटर्न नहीं रहता ओके okay, तो वो कह रही है कि अगर इस तरह से अगर आपके सामने कोई बीस्ट आता है और जैसे ही वो आपको देखता है वो तुरंत आपके ऊपर छलांग लगा देता है लेफ्ट ओके okay, लीप की सेकेंड फॉर्म यूज की गई है लेकिन मोडिफाई करके ओके okay? तो इसीलिए यहां पे जो है पोएटिक लाइसेंस जो आपका फिगर ऑफ स्पीच होता है वो यूज किया गया है okay? ओके तो ये कह रही है कि जैसे ही वो आप पे आपको देखता है और आप पे हमला कर देता है आप पे लीप करने से मतलब क्या हमला कर देता है ओके okay? तो आप समझ जाना कि ये कोई और जानवर नहीं है बल्कि क्या है लेपर्ड है ओके okay? और अगर आप अब चीखोगे दर्द के मारे अगर आप चीखोगे रोर विद पेन के okay? तो इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है ओके okay? क्यों क्योंकि वो तो रुकने वाला नहीं ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन अब यहां लैप जो वर्ड है वो वैसे छलांग के लिए आता है लेकिन लैप यहां यूज किया गया है हमले के लिए ओके okay? तो आप चीखोगे चिल्लाओगे दर्द के मारे लेकिन वो रुकने वाला नहीं है वो आप पे हमला करता रहेगा अनटिल एंड अनलेस यू आर डाइड ओके तो इस तरह से ये तीसरे बीस से उसने हमें इंट्रोड्यूस कराया इसमें जो मेन आपके फिगर ऑफ स्पीच है जैसे हमने यहाँ देखा था पोएटिक लाइसेंस है लेफ्ट लैप लैप ओके मेटाफोर है रोर विथ पेन ओके तो uh, इधर पेन कहा गया और इधर रोर uh, कहा गया कि दर्द के मारे आप दर्द के मारे तो रोएगा आदमी चिल्लाएगा चीखेगा ओके okay? दहाड़ेगा थोड़ी ना ओके okay? तो यहाँ पर मेटाफोर है चलिए आगे देखते हैं कि हमें नेक्स्ट किस बीस से इंट्रोड्यूस uh, कराने जा रही है तो नेक्स्ट है जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं ओके इफ व्हेन यू यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड मीट अ क्रीचर देयर यू वेरी वेरी हार्ड बी श्योर इट इज अ बेयर इफ यू हैव एनी डाउट्स आई गैस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयरलेस ओके तो वो कह रही है कि ऐसे ही अगर आप कभी अपने घर के यार्ड में घूम रहे हो घर के अहाते में घूम रहे हो पीछे तो और वहां आप आपको एक क्रीचर मिले और वो क्रीचर ऐसा हो जो कि आपको बहुत ही कस के गले लगाए ओके वो बहुत ही कस के गले लगाए आपको तो आप समझ जाना कि ये कोई और नहीं बल्कि क्या है बेयर है ओके डोंट फॉरगेट चिल्ड्रन एयर दैट द बेयर इज द लार्जेस्ट कार्निवर्स एनिमल ओके okay? सबसे बड़ा सबसे भारी कारनी वो रही है ओके okay? तो और इसकी हक जो है वो बहुत ही फेमस है कहते हैं कि ये बस आ, मतलब इस तरह से हक करके ही कस के भींच करके ही दम निकाल सकता है आदमी का ओके okay? और ऐसा है भी तो आ, लेकिन पोइट कह रही है कि अगर आपको तब भी आगे वो फिर कह रही है कि अगर आपको तब भी यकीन नहीं हो रहा है इफ यू हैव एनी डाउट है ना अब भी अगर आपको कोई डाउट है कि नहीं भाई ये भालू शायद नहीं हो कोई हो सकता कोई दूसरा जानवर हो तो आप फिर आई गैस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केरस तो वो फिर आपको एक बार और उसी तरह से कसके गले लगा लेगा है ना यहां देखिए केरस वर्ड यूज किया गया है और किसको किसके लिए यूज किया गया है गले लगाकर मारने के लिए जबकि केरस का मतलब होता है किसी चीज को आ, सही करना या दुलार करना उसको है ना जबकि यहां क्या है मारने से मतलब है तो यहां फिर से आयरन ही है ओके कैरस का जो वर्ड जो मीनिंग है वो जस्ट उसके अपोजिट आ रहा है ओके नेक्स्ट दो टू डिस्टिंग्विश बीस ऑफ प्रे आर नोवाइस माइट नॉन प्लस द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइना दस विद मैरी स्माइल्स बट इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स ओके आगे पोएट बोल रही है कि कुछ लोग जो होते हैं खासतौर से नोवाइस नोवाइस मीन्स कोई भी नया है ना नौसिखिया भी जिसे कह, कहते हैं जिसको कि एक्सपीरियंस ना हो किसी भी चीज का ओके वो नोवाइस कहा जा सकता है उस फील्ड का उस पर्टिकुलर फील्ड का तो पोइट आगे बोल रही है कि हो सकता है कि कुछ बीस को पहचानने में जो नोवाइस लोग हो वो नॉन प्लस हो मतलब उन्हें कुछ समझ में ना आए ओके दे माइट बी एट सी ओके कि कौन सा जानवर है तो जैसे कि खासतौर से दो जानवरों में इन लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है कि कौन सा क्रोकोडाइल और कौन सा हाइना है ओके द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द ओके तो वो कह रही है फिर इन दोनों को कैसे पहचानोगे आप तो बहुत ही सिंपल है ओके हाइनास कम विद मैरी स्माइल्स हाइनास जो है वो स्माइल करते हैं असल में हाइना जो है वो ऐसा माना जाता है कि वो इंसानों के जैसा हंसते हैं ओके जबकि क्रोकोडाइल जो है उसका थोड़ा कुछ ऐसा फिजिकल फिनोमिना है कि वो जब भी शिकार करेगा पेट भर के खाएगा ओके तो उसकी आंखों से बाद में आंसू निकलते हैं तो वही यहाँ कह रही है कि जो हायना है वो तो मुस्कुराएगा मुस्कुराएगा या हंसेगा तो समझ लेना कि हायना है और अगर उसके आंसू निकलते हैं तो वो क्या है वो कुछ और नहीं फिर क्रोकोडाइल है ओके तो यहां परसोनीफिकेशन है क्योंकि जो एनिमल्स हैं उनको ह्यूमंस जैसे बिहेवियर करते दिखाया गया स्माइल करते हुए दिखाया गया हाइना को और ऐसे ही जो क्रोकोडाइल है उसको वीप करते हुए दिखाया गया तो इसलिए यहां पे परसोनिफिकेशन है चलिए लास्ट स्टैंडर देख लीजिए द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल अ लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग एक जो कैमेलियन होता है कैमेलियन जिसको कि हमारे यहां भी अलग अलग नाम से जाने जाते जानते हैं ओके okay, uh, गिरगिट भी कहते हैं उसको और कैमेलिन की एक खासियत होती है कि वो अपनी स्किन का कलर जो है अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग बदल लेता है उसके एक कैमोफ्लेज के लिए अपनी सराउंडिंग के अकॉर्डिंग ही अपना भी कलर कर लेता है जिससे कि वो आसानी से छुप सके और क्योंकि बड़ा जानवर नहीं है इसलिए उसे खुद के शिकार बनने का बहुत डर रहता है तो इसलिए ये कैमोफ्लेज जो है एक तरह का उसका सिक्योरिटी डिवाइस है ओके okay, तो द ट्रू कैमलियन इज स्मॉल अ लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग है ना जो कैमलियन है वो एक छोटा सा प्राणी होता है लिजर्ड के जैसा हीज हैजेंट एनी ईयर्स एट ऑल एंड नॉट अ सिंगल विंग ना तो इसके कान होते हैं और ना ही इसके पंख होते हैं ओके okay? असल में कान क्यों नहीं होते क्योंकि ये जो है एक रेप्टाइल है और जितने भी रेप्टाइल्स हैं उनके कान नहीं होते ओके okay? तो ना ही इसके कान होते हैं और ना ही इसके पंख होते हैं जिससे कि ये उड़ करके अपनी जान बचा सके इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री इट इज द कैमलिन यू सी ओके तो अगर आप किसी पेड़ के पास जाते हो और आपको लगे कि नहीं पेड़ पे तो कुछ नहीं है तो ऐसा हमेशा नहीं होगा ओके okay? वहाँ पे अक्सर कैमिलियन छुपे हुए होंगे और वे अपनी जान बचाने के लिए या शिकार करने के लिए ओके okay? अपने सराउंडिंग uh, के अकॉर्डिंग ही अपने आप को ढाले हुए अपनी स्किन का कलर चेंज करे हुए होंगे ओके okay? यहाँ देखिए टिस यूज़ करा है टिस्क की जगह पे तो यहाँ फिर से पोएटिक uh, डिवाइस के तौर पे आपका पोएटिक uh, लाइसेंस यूज हुआ है ओके okay? आज के वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में hope you would uh, like the poem like this video okay if it is so don't forget to like and subscribe see you soon till then keep learning keep growing